अरे यार एक हफ्ता क्या, कुछ दिन की बात है, निकले अपने लोग 9-10-11 हो यहाँ से। ये क्या हो रहा है तुम लोग का, क्या तमाशा लगा के रखा है तुम लोग ने? चार दिन का प्यार में प्यार करता था वो, बचपन से पाल उसको बड़ा किए, प्यार नहीं दिख रहा था, बड़ा है प्यार करने वाला, उसका प्यार नहीं दिखा, वो प्यार नहीं है, बचपन से पाल उसको बड़ा किए ना, छोड़ दे, कहाँ करा जाता तू? मैं नहीं करूँगा, एहसान कर रहा था। मैं क्या ना मानूँ आप? बस मैं चलो आज छुट्टी कर ली थी यार मैंने ऑफिस से, तो मैं जल्दी काम निपट गया था ऑफिस का, तो फ्री था मैं चलो कहीं घूमने चलते हैं आज। घूमने? शादी आनी, शादी एक हफ्ता बचा है शादी का, शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ शॉपिंग करने चले गए, मॉल में चलते हैं, तो मैंने सोचा कुछ लहंगा महंगा भी देखा था रात को तो मोबाइल में, तो मैंने सोचा वो चीज़ आपके लिए ले लेते, कुछ ज्वेलरी भी लेनी है। हाँ ज्वेलरी लहंगा वगैरह से रहते हैं शादी में तो। और मम्मी भी गई हुई है ना आज ऑफिस के काम से, बैंक का जरा उनका कुछ काम था, अपने लिए भी देख लेना शादी के। हाँ मुझे तुम्हें बनना है, एकदम अच्छी इनके लिए भी मतलब अच्छी ड्रेस देगी, रात को मतलब बहुत ज्यादा देख रहा था उस पर सारे कपड़े अच्छे लगाते हैं। हाँ तो मैंने ना कुछ 2-3 चीजें बनवाई हैं आपके लिए, तो वो आप देख लो ना, ठीक है? क्या बनवाया है? कुछ नहीं, तो गले वले का सेट वेट देखा है, और वैसे भी 2 महीने बाद यार शादी वादी करनी है, तो मैं सोचा भाई की भी थोड़ी बहुत ड्रेस अच्छी लिए ना, अपने लिए लो अच्छा सा एक कुर्ता, एकदम दूल्हे राजा वाली जरूर, और पगड़ी तो मैं अपनी पसंद से लूंगा। कोई नहीं आप ले लो ना, आपकी पसंद मेरी पसंद एक है। हाँ और मैं ना, तो चलोगे ना आप लोग कैन में, और पिक्चर देख लेते हैं पहले, शॉपिंग कर लेते हैं फिर पिक्चर देख। पिक्चर कौन सी लगी वैसे? कोई नहीं, जो भी लगी हुई है, हमें तो घूमना है यार। वैसे मैंने देखा यहाँ पर एक जो एक पार्क है ना, वहाँ पर शॉपिंग भी कर लो ना, उसके आगे मूवी भी लगा है, थिएटर में भी मूवी भी देख। हाँ तो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है, 2 किलोमीटर की दूरी पे तो है। हाँ तो पहले तो शॉपिंग ही कर लेते हैं, मूवी वगैरह तो देख। यार कोट पैंट भी लेना है, समझ नहीं आ रहा, इतनी टेंशन हो रही है क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो ऐसा करो ना, देखो टाइम तो है नहीं हमारे पास ज्यादा। हाँ। तो आप ऐसा करो ऑनलाइन देख लो कोई कोट पैंट, ऑनलाइन देखे ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आ रही। आप दुकान दुकान जाओगे एक सूट देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, टाइम बर्बाद होगा, ऑनलाइन देख लो जो भी पसंद है ऑर्डर कर लो। पहले आप ये बताओ चलना कहाँ है, ज्वेलरी वाले के पास चले गए या मॉल चले, ड्रेस के लिए क्या पिक्चर हो बताओ अभी क्या, अभी कहाँ चले? एक काम करते हैं पहले ज्वेलरी लेते हैं, ठीक है? हाँ, और मैं अभी थोड़ा वेट करो, और मैं ना जरा 2 मिनट होके आता हूँ, कुछ खाने वाने के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, आप मत जाओ, आप यहीं बैठो। अरे कोई नहीं, थोड़ा पार्क भी ऐसे है ना, थोड़ा ध्यान रखो, मैं भी आ रहा हूँ बस, जस्ट 2 मिनट, ठीक है? बैठो बैठो, चला गया ऐसे आया, क्या पता चलेगा, ऐसे तो बुलाया उन्होंने पार्क में, पार्क में अब देखो यार तुम उसकी वाइफ होने वाली हो, शादी होने वाली है तुम्हारी, तो बुला लिया होगा, मतलब क्या होता है शादी के लिए कपड़े पे पूरा इंसान पता है आज के टाइम की शादी होने वाली है, बीबी होते तो सोचता है थोड़ा सरप्राइज देंगे, पार्क में बुलाएंगे, मूवी का दिखाएंगे, शॉपिंग कराएंगे, तुम खुश रहोगी, तुम्हारी लाइफ अच्छी जाएगी, तो ये सोचते हैं यार, उनको क्या पता उनको क्या बना रहे हैं। ये लेकिन अब तुम टेंशन क्यों ले रही हो, अच्छा नहीं लगा अब तुम यार, हालांकि इसमें ना उनकी तुम ऐसे कर रही हो, लेकिन यार हमारा तो अपना पर्सनल है ना, हमारा काम ये है, थोड़ा काम चल जाए पैसा, अब देखो तुम्हें शॉपिंग कराने मिल जाएगा, ठीक है? शॉपिंग करा लेगा, महंगी महंगी ज्वेलरी पसंद करना, अच्छी अच्छी ज्वेलरी लहंगा वगैरह सारा शॉपिंग करा लेना, वो अपने पास रखना, उसके बाद जैसी शादी होने वाली होगी ना, दहेज वगैरह जो अपना है मिल जाएगा, जैसे ही आते ही शादी के एक दिन पहले ही, जैसे शादी जब हमारे पास पैसा वगैरह सब आ जाए, शादी से एक दिन पहले निकल लेंगे, है ना? मुझे ना ये सब करके ना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ना तुमसे शादी करना है। थोड़ा सा पैसा ऐसा हो जाए ना, अब तुम्हें बात बताओ, अगला मुर्गा भी हमारा तैयार है, ठीक है? हाँ अब ये हमारा काम हो जाए ना, अगला मुर्गा भी हमारा तैयार है, अब बस इसका क्या, देखो 2-4 दिन का बचा है, 10-5 दिन मान लो थोड़ा हो जाए काम, पैसा ऐसा हो जाए, जुगाड़ हो जाए, जब मुझे लगे निकलना चाहिए मैं बताऊँगा, तुम 9-11 बोलेंगे यहाँ से, ठीक है? और रही बात दूसरे मुर्गे की, उसमें क्या पता है, उसका भी ऐसा ही सीन है, मतलब उसका भी मतलब बाप बाप है लेकिन माँ भी है, लेकिन बोलो थोड़ा सा ना इतना वो लोग ऑफिस वगैरह का काम करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते, तो वो लोग भी आसानी से मुर्गा नहीं पड़ जाएगा। इन लोगों की कमजोरी क्या है, इन लोगों की कमजोरी है इनका बाप नहीं था, है ना? घूमने
करता हूँ, बार बार मेरे पास आते हैं, मुझे टच करते हैं। यार बाबू काम है ना, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मुझे पता है, हमारा काम है, ये काम नहीं करेंगे थोड़ा बहुत। अगर ये बताओ तुम थोड़ा दूर दूर रहोगी तो उसको लगेगा, मतलब होने वाली वाइफ है यार, एक हक होना चाहिए ना इंसान के पास, ऐसे करीब जाना ये सब चलता है यार। कौन सा तुम उसके रियल में तुम्हारी शादी करा रहा हूँ, तुम तो वैसे शादी होने से एक दिन पहले तुमको यहाँ से मतलब ग्यारह बोलेंगे। मैं भी तुमसे प्यार करूँ, मैं प्यार नहीं करूँ। अरे क्या है, थोड़ा सा चल रहा है यार, हमारा काम भी है अब थोड़ा, दो तीन दिन देख रहा हूँ अभी। क्या है, अभी ये शॉपिंग कराएगा, शॉपिंग कर लियो, मन भर के लियो, जो भी महंगा महंगा पसंद करियो। मूवी के लिए अगर ये कहना कि मूवी पहले दिखा ले जाओ, पहले बोलना कि पहले मुझे तो भाई शॉपिंग करा दीजिए, ऐसे बोलते ना वो मान जाएगा। शॉपिंग कराना क्योंकि मूवी में कुछ नहीं होगा, शॉपिंग कराना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस वगैरह महंगी महंगी पसंद करना, ठीक है। हाँ अभी चलूँगा, पता है मेरा ऐसा कहने से ठीक कहना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। मैं एक दो बार मना करूंगा, लेकिन तुम बोलना भाई आप भी ले लो, ऐसे बोलना तो वो मना तो नहीं करेगा, मुझे भी दिला देगा, ठीक है। हाँ। मैं भी अच्छी अच्छी एकदम ऑसम वाली ड्रेसेस पसंद कर लूंगा। यार भाई अरे कुछ तो नाटक करना ही पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों को पता नहीं चल जाएगा हम लोग उन लोगों को लूटने के लिए आए हैं। अब यार ये बताओ, हम लोग भाई 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 बहन बनना पड़ेगा ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बता नहीं सकते, रियल में जो हम लोग लवर हैं ये तो बता नहीं सकते ना। अभी क्या थोड़ा सा ड्रामा करना है, कल लो क्या है, थोड़े दिन बाद काम चल जाएगा, फिर निकल लेंगे यहाँ से। अब कुछ दिन के बाद दूसरा मुर्गा भी हमारा तैयार है, टेंशन ना लो। अरे उसका पता क्या सीन है, जैसे इनकी कमजोरी इनके बाप नहीं है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं देख पा रहे, मतलब थोड़े दो तीन लोग क्या भाई इतना देखेंगे उसके, क्या उसका बाप और माँ दोनों हैं। लेकिन उसका पता क्या सीन है, उसका ये बोल दो इतने बिजनेस मैन है, इतना पैसा है उन लोगों के पास ना, उन लोग घर वर में इतना ध्यान नहीं देते, तो हम लोग कितने भी मिल लेंगे, काम चलाएंगे, काम कुछ भी करेंगे, उन लोगों को पता नहीं चलेगा। और कब थोड़ा बहुत बड़े आदमी होते हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट भी कर लेते हैं, जैसे गरीब इंसान होता है तो ध्यान रखता है कि भाग ना जाए, अरे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे। अब भाई उनका भी यही सीन है, उनके हैं दोनों लोग, लेकिन बस वो लोग थोड़ा सा ना गरीब टाइप नहीं है, बहुत अमीर आदमी है, तो ध्यान नहीं देंगे उनसे, तो यार और बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अभी तुम ये तो तुम्हें ज्वेलरी वगैरह बहुत मिलेगा, डायमंड की ज्वेलरी दिलाएंगे तुमको। अब तुम बस मेन चीज़ क्या है, तुम्हें उनसे ना प्यार करना है, प्यार से बात करना, जितना उस बंदी के क्लोज जाओगी ना तो उसको ऐसा लगे यार चल सही है, यही तो मेरी जिंदगी है, ये मेरी सब कुछ है, तो धीरे धीरे करके ना बंदा मान जाता है। तुम बताओ तुम कैसे, टाइम नहीं मिलता हम दोनों को। यार टाइम क्या है, अकेले में तो मिल लेते हैं, अभी देखो वो गया हुआ है, उसको नहीं पता है, हम लोग मिले बैठे हैं ना, अब पता नहीं जाएगा। अरे अभी नहीं, अरे अभी तो गया है, कितना टाइम लगे, पानी यहाँ पे थोड़ी है, वो दूर है, टाइम लगे, मैं देख तो रहा हूँ, आएगा सामने से तो आएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। और रही बात उसकी काम की, तो यार हमारा तो काम ही ऐसा थोड़ा बहुत, और तुम कह रही मिल नहीं पाते, यार अभी थोड़ा बहुत देख लो, अभी हम लोग ये हो जाए, अकेले में तो मिल ही लेते हैं ना, कौन सी इसमें कोई बड़ी बात है अकेले में नहीं मिल पाते। अभी ये काम हो जाए उसके बाद फिर आराम से मिलेंगे, तो दिक्कत नहीं है, है ना। आप धीरे धीरे पैसा हो जाए तो शादी भी कर लेंगे, है ना। और बाकी ठंडन तो नहीं लग रही तुमको? मुझे नहीं लगी, तुम बताओ तुम्हें तो नहीं लगी? ना ना मैं, मुझे ठंड क्या लगेगी, तुम इतनी हॉट ही हो। अब पता है मेरे को ठंड भी लगती है, तुमको पकड़ के क्लोज आ जाता हूँ, ठंडी नहीं लगती। बस क्या है, थोड़ा बहुत चले काम, उसके बाद तो निकल ही लेंगे यहाँ से, एक हफ्ता चले जाएं। अरे यार एक हफ्ता क्या, कुछ दिन की बात है, निकले अपने लोग 9-2-11 हूँ यहाँ से, एक हफ्ता भी एक महीना लगा। ये क्या हो रहा है तुम लोग का, क्या तमाशा लगा के रखा तुम लोग ने, सर में दर्द हो रहा था तो ऐसे दबाते हैं सर, मैं सर दर्द हो रहा है, ये बहन भाइयों का रिश्ता है तुम लोग का, ऐसे सर दबाया जाता है, देख रही हूं मैं मिल लूं का तमाशा, मुझे तो पहले से ही शक था, मैं तो तुम्हें बता रही थी पहले से ही, मैंने अपनी माँ की ना एक बल्ड आवाज नहीं ये करी है, तुम लोग क्या कर रहे हो तमाशा, मैं सर दबा रही भाई हूं, आप भाई बात सुनो, बहन भाई ऐसे भाई सर दबाते हैं भाई, देख लिए सच्चाई और कुछ देखना बाकी है, माँ को गलत बोल रहे थे ना, देखा मैम मैंने बोला था इनको, मैंने अपनी माँ की ना एक बात भी नहीं सुनी, भाई भाई एक बात बताओ, चूतिया दिख रहा है तुमको, नहीं पता तो क्या तमाशा लगा के रखा भाई, तू तो चुप रहे, ठीक है सुनो, वो सर दबा रहे थे बस, अच्छा सर दबा रही थी, तेरे पे इतना ट्रस्ट करते रहे, ये हरकत तू दिखा रही आज अपने पास है, अपनी माँ से ज्यादा भरोसा तेरे ऊपर रखा है मैंने, पहले से आके क्या जलती थी, इतना प्यार करता तुम लोग, शॉपिंग के लिए ज्वेलरी के लिए लेके जा रहा हूँ, एक बात बताओ पागल दिख रहे हैं, पागल दिख रहे हैं, मेरी बात थी पहले तो आप फोन में, अच्छा मैं कौन, वो बताओ ना वो कौन है, क्या देखा माँ, मैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाता ये सब मेरे साथ हो रहा है, मैं चाहती थी मेरी माँ पे ना एक सवाल भी मत उठा, ठीक है मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, पहले सुनो सुनो एक सेकंड एक्चुअली बात तो सुनो, सर में दर्द मेरे दबा बहन है तो सर दबा ऐसे सर दबाते हैं, तुम दोनों क्या हो आप, मुझे पता है आप पहले से ही, भाई एक बात बता, एक सेकंड एक सेकंड, दीदी चुप हो जा, तू चुप हो जा, बैक में बैठ भाई, एक बात बता, इधर आ इधर आ इधर आ, तुमको वो पागल दिख रहा है, मतलब हम लोग पागल है, तुम दोनों का भाई टाइम से बेवकूफ बना के रखा हुआ है, दो मिनट चुप रहे ना, तुम क्या तुमको दूध के घोले नहीं हो, भरोसा नहीं कर रहे थे ना,
ये जो तुम लोग हरकत कर रहे थे ना, तुमको चीज दिखा दो, माइक दिख रहा है वहाँ पे, देखो देखो उधर देख लो अच्छे से, और वो इधर इधर सामने सामने वो देखो सामने, वो दिखा वहाँ पे कैमरा, आपके आने से पहले लगाया और आपकी सच्चाई दिखाने के लिए लगाया है, ठीक है? तू तो यहाँ पर अकल है तुम लोग को, मेरी जिंदगी खराब करके रख दी तुम दोनों ने, कैमरा बंद नहीं होगा, मतलब दोस्तों देख लो इन दोनों का चेहरा, ये पैसे के लिए मेरे लड़के के साथ थी ना, अरे आपके बेटे कितने बेटों को बर्बाद किए, बोले ये लड़के का बेटा पैसा लूट रहा था ना मेरी बात, कहां जाऊंगा बताओ तुम लोग को, पहले ऐसे हरकतें करके तुम लोग आप कोई दूध के धूले नहीं हो, वहां पे शक कर रहे थे, बोल रहे ये तो मेरा लाइफ खराब कर रही है, प्यार अंधे से हो गया था, अपने जिंदगी में जी इतनी मैंने दुनिया देखी, नहीं बताओ अब ये मतलब कितना कर चुके हो और करना है, कमाओ ना सारे, नहीं करूंगा पैसे कमाना है तो कमाओ ना, अरे कमाओ ना, कमाना नहीं है, दीदी एक नंबर के ये लोग, अरे मेरी गलती हो गई एक्चुअली, अब तक कितना पैसा ले चुके हो बताओ, कितना पैसा ले चुके हो, अरे हम मतलब पहला देखो देखो यहाँ से बचने का तुम्हारा चांस तो है नहीं, जाओगे तुम दोनों पुलिस के पास, ये तो कंफर्म है, तेरी आंखों में शर्म नहीं था तुझसे प्यार करते थे ना मैं, क्यों ये सब दिखाने के लिए तुम लोग ने करा, भाई तू चुप रहे यार, तू चुप रहे, तू मत बोल, कोई तू दूध का धुला नहीं है, चार दिन का प्यार में प्यार करता था वो बचपन से पाल उसको बड़ा किए, प्यार नहीं दिख रहा था, बड़ा है प्यार करने वाला उसका प्यार नहीं दिखा, वो प्यार नहीं है, बचपन से पाल उसको बड़ा किए ना, छोड़ दे कहाँ करा जाता तू, प्यार करता था गाना गा के चले हुए हैं, तुमने अपनी माँ का, तुम्हारी से लड़कों का ना ये फायदा उठाती हैं, चार दिन का प्यार इनको प्यार है, जिंदगी खराब करके रखी, मैं तो तैयार थी इनकी शादी के लिए, लेकिन वही ना वो दूसरी बैठी हुई है इन दोनों की, और अब तुम दोनों बताओ मतलब थोड़ा सा भी शर्म आता है, बहन लड़की हो ना, तुमको पता है तुम्हारे ये करने से कितने रिश्ते टूटते हैं, समझ है, अपने मुंह से बोल, बोलो मुझे आवाज नहीं, अब आगे से नहीं करेंगे, अरे बॉयफ्रेंड है इसका, कुछ दिखा कितना दीदी भरोसा करके अपनी माँ से रुपए के घर पे रखा था, आपके साथ बहुत अच्छा हुआ ये चीज, आपको ना एक बार होना चाहिए, तुम्हें जरा साला पेन ना पता है, इधर 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 9 महीने ना पेट में पाल पोस कर बड़ा की है, ये नहीं हुआ बिना बात के, इधर 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 सुन, तूने अपने खून से सींची है तेरे को, ऐसे ही नहीं टपक गए हो ऊपर से कि भगवान जी फेंके तुम नीचे टपक गए, अपने खून से सींची है, दुख तकलीफ बर्दाश्त की है, और आज तुमको बड़ा चुल मचा हुआ, प्यार करते थे उसका प्यार नहीं दिखा, वो प्यार नहीं था, बात के मरने के बाद भी मैंने तुम्हें कोई कमी नहीं, जॉब की काम की हर चीज आज भी करती है, ऐसा तो घर पे रखा था मैंने अपनी माँ से, मतलब कैसे अच्छा हुआ ब्रो, जो आपने माँ का नहीं है ना वो किसी का नहीं हो सकता है, और है तुम्हें आपके लिए तो आपके ससुराल वाले आ ही रहे, उनको थोड़ा फोन करके बुलाते हैं, फिर अच्छे से खिदामत करते हैं आपका, दी ऐसा मत करना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, नहीं आपके साथ तो होगा, दी ऐसा मत करना, नहीं नहीं तुम बर्बाद हो जाओगे और मेरा बेटा बर्बाद होगा, नाटक नहीं मेरे सामने नाटक नहीं, दी प्लीज ऐसा मत करो, रट्टा मारेंगे ना सीधे जाओगी, जब मुंह बंद रखो, ये ना ये नाटक ना कहीं और करना, मेरे पास नहीं समझे ना, इनको पुलिस में दे दो, वो करो मैं ऐसे मत करना, सजा तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए, तुमने मेरी बात का बिल्कुल नहीं, मैं बोल रही हूं दोस्तों कि ऐसे 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 जो है ना निकम्मे लड़के जो चार दिन के प्यार पे अपने मावा का प्यार भूल जाते हैं, इनके साथ यही होना चाहिए, ये यही डिजर्व करते हैं, प्यार करता था, चलो वो बोल रही है औरत की बेटा वो तेरे लिए सही नहीं है, सही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है, माँ कभी अपने बच्चों को गलत नहीं बताती है, चार दिन का प्यार इनको प्यार हुआ है, बोल ही रहे हैं पुलिस को कॉल करते, आप लोग को तो वही बताएगा, प्लीज हम आंटी प्लीज ऐसा मत करो, हम लोग आगे से कभी नहीं करेंगे, आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे, सारा मैं तो कम से कम माफी मांग अपनी माँ से, अभी भी बहुत ऊपर तुम दोनों दूर तुम दोनों बैठो यहाँ पे, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे मैं नहीं करूंगा, एहसान कर रहा था मैं, क्या ना मानूंगा आपका, प्लीज माँ मुझे माफ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती, शर्म इंसान थोड़ा सा लाश शर्म नहीं है, पहले ही समझ जाते तो इतना कुछ नहीं होता, वो भी बोले हैं तेरे को फिर माफ कर देगी, क्योंकि वो माँ है, तू नालायक है, समझ जाना, ऐसे बहुत लोग आएंगे लेकिन उसका प्यार कभी नहीं बदलने वाला है, पढ़ाई यहाँ पे प्यार करते थे,